लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इंदौर के रानीपुरा में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कायराना हरकत बताते हुए कहा है कि घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इंदौर के रानीपुरा में जांच के लिए गए डॉक्टर एवं चिकित्सा स्टाफ पर पथराव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर पथराव और हमले की यह घटना बेहद कायराना है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने शांति के टापू वाले इंदौर की छवि पर तो दाग लगाया ही है, पूरे देश में उसे कलंकित करने का काम किया है। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि इस घटना के आरोपी कोई भी हो, किसी भी वर्ग के हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इंदौर की रानीपुरा की जो घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोग जो अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की जान बचाने के लिए निकले हैं, डॉक्टर उनके सहयोगी जो लोग हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से पथराव करना और उन पर हमला करना, ये कायराना ही हरकत नहीं, ये इंदौर के शांति के टापू में काला धब्बा है। और मैं तो मानता हूं केवल इंदौर नहीं, पूरे देश के अंदर एक काला धब्बा इन्होंने साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस प्रकार की कायराना हरकत करने वाला, चाहे वो मौलाना हो, चाहे इस प्रकार के हमले करने वाले लोग हों, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।